हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा पढ़ने का टॉपिक है अपठित गद्यांश। इसे शुरू करने से पहले आइए इसका अर्थ समझ लेते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ है अनसीन पैसेज या पैरा। अपठित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अ प्लस पठित, यानी जो पहले पढ़ा ना गया हो। बच्चों, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि हिंदी साहित्य यानी लिटरेचर की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। गद्य के अंतर्गत हम कहानी, उपन्यास, लेख, नाटक आदि लिखते हैं और पद्य के अंतर्गत कविता, गीत, छंद, दोहे आदि लिखते हैं। कहानी, उपन्यास, लेख, नाटक आदि में से लिए गए कुछ अंश को गद्यांश कहते हैं और इसी तरह कविता, गीत, गान, छंद आदि में से लिए गए कुछ अंश को पद्यांश कहते हैं। बच्चों, अब आपको गद्यांश और पद्यांश का मतलब समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश दोनों में से कोई भी हल करने के लिए दिया जा सकता है। तो आइए पहले आज के टॉपिक अपठित गद्यांश को हल करने के कुछ चरण यानी स्टेप्स जान लेते हैं, ताकि आप इन्हें आसानी से हल कर सकें। चरण यानी स्टेप्स। पहला चरण। प्रथम चरण में हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे। बच्चों, दिया तो पहले गद्यांश होता है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम इसके प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगला चरण, गद्यांश को दो तीन बार पढ़ें तथा उसका आशय समझें। आशय मीन्स मीनिंग। अगला, गद्यांश पढ़ने के बाद जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं उन्हें साइड बाय साइड मार्क करें। अगला, प्रश्नों को गद्यांश के आधार पर हल करें, यानी जो भाषा या भाव गद्यांश में लिखा है उसी के अनुसार इसके प्रश्नों के उत्तर दें। अगला, शीर्षक का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि यह चार या पांच शब्दों से अधिक ना हो। बच्चों, आपने पाठ, कहानी, निबंध पढ़ते समय उसके शीर्षक यानी हेडिंग को तो पढ़ा होगा, जो केवल चार या पांच शब्दों से अधिक नहीं होती, जैसे भारतवर्ष, कोटर और कुटीर, रक्षाबंधन आदि। अगला स्टेप, व्याकरण के आधार पर रेखांकित शब्दों के उत्तर दें। यानी गद्यांश में से कुछ शब्द चुने जाएंगे जिनके आपको लिंग बदलो, वचन बदलो और पर्यायवाची करने को कहा जाएगा। गद्यांश के सभी उत्तर स्पष्ट एवं संक्षिप्त हों। स्पष्ट मीन्स क्लियर, संक्षिप्त मीन्स शॉर्ट। तो आइए बच्चों, अब हम अपनी पुस्तक वसुधा पर चलते हैं और पढ़ते हैं अपठित गद्यांश। सभी बच्चे अपनी पुस्तक का पाठ 20 अपठित गद्यांश या पद्यांश निकाल लीजिए और चलिए पेज 125 पर, जहां पर आपको ये गद्यांश मिलेगा। बच्चों, प्रथम चरण यानी फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि पहले हम गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आइए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न, भारत की सीमा उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक फैली है? भारत की सीमा मीन्स इंडियन बॉर्डर, उत्तर से दक्षिण मीन्स डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ। अगला प्रश्न, भारत का पद प्रक्षालन कौन से तीन महासागर करते हैं? पद प्रक्षालन करना, चरण धोना, महासागर, ओशंस। अगला, भारत के किस राज्य को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है? पृथ्वी का स्वर्ग मीन्स हेवन ऑफ अर्थ। भारत की नदियों को क्या माना जाता है? अगला, उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपर्युक्त मीन्स ऊपर कहा गया, उपयुक्त मीन्स सही और शीर्षक मीन्स हेडिंग। गद्यांश पढ़ने से पहले आइए इसमें दिए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग जान लेते हैं। पहला शब्द देखिए,
प्राचीनतम पके पैर में पदेन आ चको बड़ी ईन तम प्राचीनतम सबसे पुराने विशाल बड़ा उत्तर उ आधा त तर उत्तर नॉर्थ कश्मीर क आधा श मको बड़ी ईर कश्मीर दक्षिण द कशक छोटी ई ण दक्षिण साउथ कन्याकुमारी क आधा न यकुआ कको छोटा उ मकुआ रको बड़ी कन्याकुमारी पूर्व पको बड़ा उ व के ऊपर पूर्व ईस्ट प्रदेश पके पैर में पदेन दकोयेश प्रदेश रिजन पश्चिम प आदेश क छोटी ई चम पश्चिम वेस्ट कच्छ क आधा च छ कच्छ यह गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगला प्राकृतिक सौंदर्य मीन्स नेचुरल ब्यूटी पके पैर में पदेन आ ककोरी तक छोटी ई क प्राकृतिक सौंदर्य सको आओ अंग द य के ऊपर रेव सीना तान कर खड़ा होना यह एक मुहावरा है यानी दृढ़ता पूर्वक खड़े होना। अगला हिंद महासागर इंडियन ओशन बंगाल की खाड़ी देव बंगाल अरब सागर अरेबियन ओशन पद प्रक्षालन ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। पद मीन्स चरण प्रक्षालन मीन्स धोना पृथ्वी का स्वर्ग हेवन ऑफ अर्थ ब्रह्मपुत्र पके पैर में पदेन आधा ह म पको छोटा उत्र ब्रह्मपुत्र प्रमुख मुख्य पके पैर में पदेन मको छोटा उख प्रमुख जीवनदायिनी दकुआ य को छोटी ई न को बड़ी ई जीवन दायिनी जीवन देने वाली विशेष स्थान खास जगह। बच्चों आपको भी एग्जाम्स में मेरे बताए गए स्टेप्स के अनुसार ही अपठित गद्यांश को हल करना है। आइए अब इस गद्यांश की रीडिंग शुरू करते हैं। हमारा देश भारत संसार के प्राचीनतम देशों में से एक है। यह इतना विशाल है कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्व में इसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से आरंभ होकर पश्चिम में कच्छ तक फैली हुई है। भारत में प्राकृतिक सौंदर्य भरा पड़ा है। एक ओर हिमालय पर्वत अपना सीना तानकर खड़ा है जो दूसरे देशों से हमारे देश की रक्षा करता है तथा साथ ही उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। दूसरी ओर तीन महासागर हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर इसका पद प्रक्षालन करते हैं। भारत के राज्य कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। भारत की प्रमुख नदियों में गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सतलुज नर्मदा कावेरी आदि प्रमुख हैं, जिन्हें जीवन दायिनी माना जाता है। भारत की यही प्राकृतिक सुंदरता भारत को विश्व में सबसे विशेष स्थान प्रदान करती है। चलिए बच्चों अब एक एक करके गद्यांश के प्रश्न पढ़ते हैं और उनके उत्तर गद्यांश में से निकालना सीखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है भारत की सीमा उत्तर से दक्षिण में कहां से कहां तक फैली है। तो बच्चों इसका आंसर मैंने आपकी सुविधा के लिए मार्क करके रखा हुआ है। आपने पहले प्रश्न में से उत्तर को निकालना सीखना है। भारत की सीमा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली है। यहाँ पर लिखा हुआ है फैला हुआ है, पर आपने प्रश्न के अकॉर्डिंग ही उत्तर देना है। अगला प्रश्न भारत का पद प्रक्षालन कौन से तीन महासागर करते हैं। बच्चों आपने तीन महासागरों के नाम पढ़े, पहले प्रश्न में से उत्तर लेंगे। भारत का पद प्रक्षालन हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर करते हैं। तो आपने प्रश्न के अकॉर्डिंग ही उत्तर की समाप्ति करनी है। भारत के किस राज्य को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। बच्चों आपने उस राज्य का नाम गद्यांश में पढ़ा है।
भारत के राज्य कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। बच्चों, आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर मार्क करके अपनी कॉपी पर लिखते जाना है। और साथ ही मैंने आपको यह भी बताया कि उत्तर स्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए, यानी प्रश्नों के उत्तर क्लियर होने चाहिए और शॉर्ट में होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत की नदियों को क्या माना जाता है? बच्चों, आपने गद्यांश में पढ़ा है कि भारत की नदियों को जीवन दायिनी माना जाता है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब आपने इस गद्यांश को शीर्षक देना है। बच्चों, आपने ये पूरा गद्यांश पढ़ा है, इसमें भारत देश और उसकी विशेषताओं की बात की गई है जो उसे अन्य देशों से अलग करती है। तो आप इसका शीर्षक दे सकते हैं, अतुलनीय भारत, यानी इनक्रेडिबल इंडिया। इसी तरह बच्चों, आप इस गद्यांश का कोई अन्य शीर्षक भी दे सकते हैं, पर आपको स्टेप पता है ना, शीर्षक 4 या 5 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, आपसे व्याकरण के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा मैंने यहाँ पर इस शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, प्राचीनतम, आपने इसका विलोम शब्द बनाना है। प्राचीनतम का विलोम शब्द होगा नवीनतम, और उत्तर का विलोम शब्द क्या होगा? दक्षिण। इसी तरह बच्चों, आपको गद्यांश में से लिंग बदलो, वचन बदलो आदि शब्द भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम एक अन्य गद्यांश पढ़ते हैं। बच्चों, अब जो गद्यांश मैं आपको करा रही हूँ वह किसी अन्य बुक से ले रही हूँ। आपने इसी गद्यांश को मेरे बताए स्टेप्स के अनुसार हल करना है और अपनी कॉपी पर लिखना है। आइए पहले गद्यांश के नीचे लिखे हुए प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? उनके माता पिता का नाम लिखिए। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्यों हुई? अगला, स्वामी विवेकानंद किसे अपना गुरु मानते थे? अगला, स्वामी विवेकानंद का स्वर्गवास कब हुआ? स्वर्गवास मीन्स डेथ। अगला प्रश्न मैंने यहाँ स्वयं लिखा है, गद्यांश का शीर्षक लिखो। तो आपने इस गद्यांश को पढ़कर इसके शीर्षक का नाम भी लिखना है। चलिए अब गद्यांश में आए डिफिकल्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। पहला, सपूत, स पको बड़ा उत, सपूत मीन्स सन। विश्वनाथ, व को छोटी ई आधा श, व विश्व नकोआथ नाथ। दत्त, द आधा तत, दत्त। भुवनेश्वरी, भ को छोटा उ व न कोए आधा श, व र को बड़ी ई भुवनेश्वरी। नरेंद्रनाथ, न र कोए अंग, द के पैर में पदे नकोआथ नाथ। दयालु, काइंड, साहसी, ब्रेव। स्वभाव, आधा स व भकुआव स्वभाव। नेचर, उच्च शिक्षा, उ आधा च उच्च, शक छोटी कशकुआ शिक्षा, हायर एजुकेशन। संन्यास, सकुअंग आधा न यकवास संन्यास। दीक्षा, दको बड़ी कशकुआ दीक्षा। पुराने समय में गुरु से प्राप्त की गई शिक्षा को दीक्षा कहा जाता था। अगला, सम्मेलन, स आधा म को ए ल न सम्मेलन। सभा, सर्वधर्म, स व के ऊपर रेव ध म के ऊपर रेव सर्वधर्म मीन्स सबका धर्म। भाषणों, भकुआ श ण को ओ पीछे बिंदी भाषणों स्पीच। प्रशंसा, प के पैर में पदेन शको अंक सकुआ प्रशंसा तारीफ। जागृति, जकुआ क के पैर में री तक छोटी ई जागृति मीन्स लोगों को जागृत करना। दीन दुखियों मीन्स गरीबों। अगला शब्द, रामकृष्ण मिशन। बच्चों, यह मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने गरीब लोगों की सेवा के लिए चलाया था। रकुआम, राम, क के पैर में री आधा श षटकोण अण। राम कृष्ण
मिशन, म को छोटी ई, श न मिशन, स्वर्गवास यानी मृत्यु, आधा स व ग के ऊपर रे वकवास स्वर्गवास, प्रेरणा प के पैर में पदेन ए रणा, प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशंस। आइए बच्चों, अब मैं आपके लिए इस गद्यांश को रीड कर देती हूँ। स्वामी विवेकानंद भारत माता के महान सपूत थे। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को बंगाल में हुआ था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र नाथ बचपन से ही बड़े दयालु और साहसी स्वभाव के थे। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वे राम कृष्ण परमहंस को अपना गुरु मानते थे। गुरु से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद नरेंद्र नाथ का नाम स्वामी विवेकानंद रखा गया। सन 1893 में स्वामी जी अमेरिका गए। वहां उन्होंने सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया। उनके भाषणों की बड़ी प्रशंसा हुई। स्वामी विवेकानंद ने भारत के लोगों में जागृति लाने और दीन दुखियों की सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी का स्वर्गवास हुआ। उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। मैं आशा करती हूँ बच्चों, आपको मेरे द्वारा बताए गए अपठित गद्यांश के सभी स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। अब आपने इस गद्यांश को उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिख लेना है। हम अगली कक्षा में जल्द ही उपस्थित होंगे। टिल देन, गुड बाय।